हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज है हमारा लेक्चर नंबर फोर क्लास इलेवेंथ का अकाउंट्स का लेक्चर नंबर फोर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्रीज, कुछ ऐसी जर्नल एंट्रीज जिससे हमारा काम चल जाएगा। मतलब ये जर्नल एंट्री ऐसी हैं जो हर जगह जाके फिट हो जाएगी, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान से सुनिए और आपको बातें समझ में आने लगी। मैंने लेक्चर नंबर थ्री में आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताया था, उसमें पहला था गोल्डन रूल और दूसरा था अमेरिकन अप्रोच। हम अमेरिकन अप्रोच से अपनी जर्नल एंट्रीज को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे काम करता है। अमेरिकन अप्रोच में आप एकदम मान के चलिए कि एक ऐसी बार जिसके बेसिस पे सारी जर्नल एंट्रीज आपकी सही बनती चली जाएंगे। मैं आपको दो फॉर्मूला दूंगा, फॉर्मूला नंबर टू। क्या है फॉर्मूला नंबर वन? पहला, अगर कोई भी चीज एसेट हो या कोई चीज एक्सपेंस बनती हो या कोई भी चीज लॉस बनता हो, तब क्या होगा? दूसरे में आते हैं, अगर कोई चीज लाइबिलिटी हो, कोई चीज इनकम हो, कोई चीज गेन हो या कोई चीज कैपिटल हो, अगर ये चार में से कुछ है तो क्या होगा? मैं बता दूं, अगर कोई भी चीज एसेट है, जैसे कि बिल्डिंग हमारी एसेट है, अगर वो बढ़ेगी तो डेबिट, अगर घटेगी तो क्रेडिट, अगर बढ़ेगी तो डेबिट, घटेगी तो क्रेडिट। एक्सपेंस है, अगर बढ़ेगा डेबिट, घटेगा क्रेडिट। लॉस है, बढ़ेगा डेबिट, घटेगा क्रेडिट। लायबिलिटी में इसका उल्टा है, लायबिलिटी में बढ़ने पे क्रेडिट, घटने पे डेबिट। बढ़ने पे क्रेडिट और घटने पे डेबिट। मैं आपको 25 तरह की जर्नल एंट्री बताऊंगा। कितनी तरह की? हो सकता है आपका 21 में ही काम चल जाए। 21 तरह की जर्नल एंट्री बताऊंगा जिससे आपका पूरा जर्नल एंट्री का चैप्टर कवर हो जाएगा। अगर 25 बता दिया तो अच्छी बात है, वरना 21 से भी आपका काम चल सकता है, ठीक है? इसीलिए इसका नाम रखा इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। अब देखते हैं सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या है। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं, पर ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ाई कर सके, ठीक है? चलिए, तो इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊंगा, अभी कॉपी मत करिएगा, कॉपी एकदम लास्ट टाइम पे आप स्क्रीनशॉट लेके एक साथ पूरा कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है? ये याद रखिए, इसी फॉर्मूले से हम सारी जर्नल एंट्री बनाएंगे, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, तो ये दोनों को आप रट्टा मार लीजिए, क्योंकि ये भैया ये नियम है, नियम को याद करना पड़ेगा, तो इस नियम को याद कर लीजिए। उसके बाद जिंदगी में आपसे कोई भी चीज आपसे याद करने को हम नहीं कहेंगे, ठीक है? हर चीज को समझाने की कोशिश करेंगे।
इन दोनों बातों को अगर आप याद कर लेते हैं तो अकाउंटिंग में आपको कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है जर्नल एंट्री के मामले में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि भैया जर्नल एंट्री। सर ये क्या बनाया है लाइन? बेटा हमने बस एक पेज को तीन पेज बना दिया है और कुछ नहीं किया, ताकि हमको बार बार पेज ना पलटना पड़े, इसलिए हमने एक ही पेज को तीन पेज बना दिया है। और आपके फॉर्मेट की बात है कि सर जर्नल एंट्री ऐसा नहीं बनता था, जर्नल एंट्री बनता था एक कॉलम बनता था डेट, एक कॉलम पार्टिकुलर, एक कॉलम एलएफ, है ना, एक कॉलम डेबिट अमाउंट, एक कॉलम क्रेडिट अमाउंट। देखिए जैसे कि यहाँ है ऐसे फॉर्मेट बनता है, इसी के अंदर जर्नल एंट्रीज करी जाती है। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम पढ़ाएंगे इस तरह से, भैया हम कॉलम नहीं बना रहे, इसको बाद में आप चाहें तो ऐसे कॉलम बना के उसमें जर्नल एंट्री कर सकते हैं, हम सिखा देंगे कि कैसे कैसे करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री है जर्नल एंट्रीज, पॉइंट नंबर वन हमारी स्टार्ट हो गई 21 में से जर्नल एंट्रीज स्टार्ट हो गई। सबसे पहली जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स, रिलेटेड टू गुड्स। सर ये गुड्स क्या होता है भैया? ऐसी कोई भी चीज मान लो एक आदमी है वो दुकान खोला हुआ, उसने कोई सामान खरीदा फिर से बेचने के लिए, तो वो सामान उसके लिए गुड्स हो जाएगा, अच्छा सर उसने अपनी दुकान में जूता खरीदा, जूता बेचता है, तो जूता उसके लिए क्या है भैया? उसके लिए गुड्स है। तो अगर सामान वो खरीद रहा है फिर से बेचने के लिए, तो सबसे पहली बात या तो वो माल खरीद रहा होगा, माल उसी को कहते हैं जो हमने फिर से बेचने के लिए खरीदा हो, तो अगर पहला केस क्या हो सकता है उसके साथ, मे बी वो माल खरीद रहा हो, गुड्स परचेज करेंगे तो क्या एंट्री होगी? सर आप बताइए क्या एंट्री होगी? ठीक है बेटा बताते हैं क्या एंट्री होगी। जब गुड्स खरीदा जाता है तो हम माल खरीद रहे हैं तो लिखते हैं परचेज, क्या लिखते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू। अब माल हम खरीद रहे हैं, हो सकता है हम तुरंत पैसा दे रहे हों तो कैश अकाउंट या फिर चेक से पेमेंट दे रहे हों तो बैंक अकाउंट, क्या करते हैं? चेक से पेमेंट दे रहे हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, और कैश दे रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा ये भी तो हो सकता है सर कि उधार खरीद रहे हो, जब हम उधार किसी से ले रहे हैं तो वो आदमी हमसे पैसा लेगा या नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा वो आदमी तीसरा हमसे पैसा, बिल्कुल पैसा लेगा जिससे हमने माल खरीदा है। तो वो जो हमसे पैसा लेने वाला आदमी होता है उसको बोलते क्रेडिटर, क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। और नरेशन क्या बनेगा? बीइंग गुड्स परचेज, ऐसे नरेशन बनता है, लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज, कोई दिक्कत नहीं सर, आगे चलिए। ठीक है बेटा गुड्स परचेज। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आराम से जब भी मौका मिलेगा आपको जवाब दे दूंगा। दूसरी बात गुड्स सोल्ड, भैया हमने माल खरीदा था किस लिए? माल बेचने के लिए,
तो जब माल बेचा जाता है तब क्या एंट्री होती है सर, बता दीजिए। ठीक है बेटा, बता देते हैं, व्हेन गुड्स सोल्ड, तो गुड्स सोल्ड की एंट्री होती है। हो सकता है हम माल कैश में बेच रहे हो, मतलब हमने बेचा और पैसे ले लिए, हमने बेचा और पैसे ले लिए, तो एंट्री होगी कैश। अच्छा, हो सकता है उससे चेक ले रहे हो तो बैंक। अच्छा, हो सकता है हम उसको उधार बेच रहे हैं, हो सकता है उसको उधार बेच रहे हैं, तो जिसको उधार बेचते हैं उससे पैसा नहीं मिलेगा क्या, उससे हम पैसा बाद में ले लेंगे, उससे पैसा हम बाद में ले लेंगे, तो उसको बोलते हैं डेटर। क्या बोलते हैं? डेटर। डेबिट टू, हमने माल बेचा, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। अच्छा, इसके साथ भी अकाउंट लगता है, पर डेटर या क्रेडिटर के साथ अकाउंट नहीं लगता, क्रेडिटर के साथ लिख सकते हैं, बट उसका नाम जब आएगा, हो सकता है उसका नाम हो बी, तो यहां लिखना पड़ेगा बी। अच्छा, हमने डी, कोई आदमी था जिसको माल बेचा जिसका नाम था डी, तो हमें लिखना पड़ेगा डी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अगर उधार बेच रहे हैं तो। और नरेशन क्या बन जाएगा? बीइंग गुड सोल्ड। अच्छा सर, एक बात तो आपने बताई नहीं, आपने कहा था यह फार्मूला काम आएगा, ये फार्मूला तो आप बता ही नहीं रहे कैसे काम आ रहा है। तो बेटा आप अब ध्यान दीजिए, पहले तो हमने शक्ल दिखा दी आपकी कि ऐसे बनती है, ठीक है, वो जाएगी फॉर्मेट आपका डेट पार्टिकुलर वाले फॉर्मेट में, लेकिन फॉर्मूला कैसे काम आ रहा है देखिए। हम माल खरीद रहे हैं परचेज, ठीक है, परचेज होता है हमारा एक्सपेंस, क्या होता है एक्सपेंस, हमने सामान खरीदा तो हमारा खर्चा बढ़ा कि घटा? भैया हमारा खर्चा बढ़ गया, बढ़ गया, जब खर्चा बढ़ेगा तो कहां जाएगा? डेबिट में। देखिए परचेज को हमने कहां लिखा है? डेबिट में। जब खर्चा बढ़ा तो डेबिट, तो हमने परचेज को लिखा डेबिट। अच्छा सर, कैश कैसे क्रेडिट में आ गया? सर कैश होती है बेटा एसेट, क्या होती है? एसेट। बैंक क्या होता है सर? वो भी होता है एसेट। तो अगर हमने सामान खरीदा तो हम पैसा दे रहे होंगे, तो जब पैसा दे रहे हैं, चाहे कैश में दे रहा हूं चाहे बैंक से दे रहा हूं, पैसा कम हो रहा है ना, पैसा दे रहा है तो पैसा कम हो रहा है, जब पैसा कम हो रहा है तो क्रेडिट। देखिए बैंक और कैश कहां चला आया? क्रेडिट में। अच्छा सर, ये क्रेडिटर कैसे? क्रेडिटर होती है बेटा लाइबिलिटी, क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में कैसे क्रेडिट आ गया सर? लाइबिलिटी बेटा देखो, हमने माल खरीदा, हमने बोला भैया उधार दे दो, हमने बोला उधार दे दो, तो बोला ठीक है हम उधार दे देना, हमने क्या लिखा? तो भैया एक आदमी है जिसको हमें बाद में पैसा देना पड़ेगा, जब कोई पेमेंट हमें करनी पड़ेगी उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। हमें जिम्मेदारी है हमारी पैसा पे करने की ना, तो जब भी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मा बनता है, तो वही हमारी बनती है लाइबिलिटी। अच्छा, हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई पैसा देने की? पैसा देने की हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई, लाइबिलिटी हमारी बढ़ गई, तो कहां गया? क्रेडिट में। कहां गया? क्रेडिट। उसी तरह हम जब माल बेच रहे थे, तो कैश पैसा है, माल बेचेंगे तो पैसा बढ़ेगा। एसेट कैश क्या है? एसेट। बढ़ेगा तो डेबिट जाएगा, हमने देखिए कहां लिख दिया? डेबिट में। हमने कहां लिख दिया? डेबिट में। अच्छा, बैंक होता तो भी उसी तरह कैश की तरह ही, डेटर भी हमारी एसेट होती है, क्योंकि कोई पैसा देना अगर जिम्मेदारी है तो पाना अधिकार है, पाना क्या है? अधिकार है। एनीथिंग विच इज रिसीवेबल एसेट, एनीथिंग विच इज पेएबल लाइबिलिटी, कोई भी ऐसी चीज जो हमको मिलेगी वो हमारी एसेट है, जो हमको देना पड़ेगा वो हमारी लाइबिलिटी है। तो हमको डेटर से पैसा मिलेगा क्योंकि हमने उसको माल बेचा है,
तो डेटर हमारी एसेट थी, हमारी एसेट बढ़ गई, डेटर हमारी एसेट थी, एसेट हमारी बढ़ गई तो कहाँ गई? डेबिट में। देखिए डेटर कहाँ आया? डेबिट। अच्छा सर, सेल कैसे क्रेडिट में? सेल, हम माल बेच रहे हैं, हमारी इनकम हो रही है, माल बेच रहा हमारी इनकम हो रही है, और जब इनकम बढ़ रही है, माल बेच रहे हैं, इनकम हमारी बढ़ रही है, बढ़ रही है तो क्रेडिट, बढ़ रही है तो कहाँ चली गई? क्रेडिट में। टू सेल्स अकाउंट, देखिए क्रेडिट। बात समझ में आई? इसी तरह अब और कंफ्यूजन क्लियर होगी आपकी तीसरी बात सुनकर। आप ये फार्मूला कहीं किनारे रख लीजिए अपने सामने, वीडियो देखते देखते सामने देखते रहिए जब मैं फार्मूला दिखा रहा हूं आपको, ठीक है? अच्छा, तीसरा केस क्या हो सकता है? भैया माल बेच रहे हैं, माल बेच रहे हैं या माल खरीद रहे हैं। अच्छा, जब हम माल खरीदे थे, जब हम माल खरीदे थे, हो सकता है कुछ डिफेक्ट आ जाए, हो सकता है माल खराब निकला, माल खराब निकला तो वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। या रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, हमने जो माल खरीदा था उसे वापस कर रहे हैं, जो हमने माल खरीदा था उसे वापस कर रहे हैं। देखिए, जब माल खरीदा था तो परचेज लिखे थे, अब वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न लिखेंगे। अच्छा, जिससे खरीदा था वो क्या बना था हमारा? क्रेडिटर। क्या बना था? क्रेडिटर। लाइबिलिटी थी, क्या थी? लाइबिलिटी थी। अब बताइए, जब हम सामान खरीदे थे तो पैसा उसको देना पड़ता, अब सामान ही वापस कर दिए, क्या उसको पैसा देना पड़ेगा? उसको पैसा आप देने की जरूरत नहीं है। लाइबिलिटी हमारी कम हो गई, देखिए लाइबिलिटी हमारी कम हो गई, कम हो गई तो कहां जाएगी? डेबिट में। तो क्रेडिटर कहां चला जाएगा? डेबिट में। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू टू भैया परचेज किए थे तो परचेज लिखे थे, जब सामान वापस कर रहे हैं तो लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, या इसके संग क्या लिख सकते थे? रिटर्न आउटवर्ड टू रिटर्न आउटवर्ड। मेरे हिसाब से परचेज रिटर्न लिखना ज्यादा अच्छा होगा। और नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न। अच्छा सर, चौथा बता दीजिए सर। चौथा बता दीजिए सर। ठीक है बेटा, चौथा देख लीजिए। भैया माल खरीदे थे तो माल वापस कर रहे हैं, अब माल बेचे हैं तो क्या वो वापस नहीं कर सकता? वो भी तो माल वापस कर सकता है, तो भैया लिखेंगे सेल्स रिटर्न। भैया बिका हुआ माल वापस आ रहा है, बिका हुआ माल वापस आ रहा है, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। क्या होता है? भैया जो माल बेचे थे वो वापस आ रहा है। देखिए माल बेचे थे तो क्या बना था वो हमारा? डेटर, जो हमको पैसा देता, हमने उसको माल बेचा था वो हमको पैसा देगा, लेकिन उसने हमको माल ही वापस कर दिया। अब बताइए वो पैसा देगा? नहीं देगा, क्योंकि वो माल ले गया था तो पैसा देता, माल वापस कर गया तो पैसा नहीं देगा, तो डेटर हमारा खत्म हो जाएगा और सेल्स रिटर्न आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। अच्छा,
हो सकता है जनरेटर का नाम ABCD कुछ रहा हो, राम श्याम कुछ रहा हो, तो हम लिखते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम, हम उसका नाम चढ़ा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। बीइंग गुड रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न। सर ये चार ही केस हो सकता है गुड्स के मामले में। बेटा अभी तो नॉर्मली आप समझिए कि या तो हम माल खरीद रहे होंगे, या तो हम माल बेच रहे होंगे, या तो हम माल वापस कर रहे होंगे, या कोई हमें माल वापस कर रहा होगा, यही चार ही केस हो सकते हैं। अभी बात साफ इतना ही जारी है। अच्छा सर, तो अब आगे क्या बेटा? भैया ये जान लीजिए, दूसरी एंट्री अब आ गई। पहली थी हमारी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स, अब आएगी जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू एसेट। भैया हम क्या गुड्स ही खरीद सकते हैं, सिर्फ एसेट नहीं खरीद सकते? बिल्कुल खरीद सकते हैं बेटा। अच्छा सर, एसेट क्या होती है? हर वो चीज जो आपका जिसपे अधिकार हो, हर वो चीज जिसपे आपका अधिकार हो वो आपकी एसेट होती है। जैसे कि और एक बात समझ लीजिए, अगर हमने कोई सामान खरीदा था दोबारा बेचने के लिए तो वो हमारा गुड्स था। अगर हमने कोई सामान खरीदा बेचने के लिए नहीं, अपने इस्तेमाल के लिए, तो वो हमारी एसेट होगी, तो हमारी एसेट होगी। तो भैया इसमें भी चार केस हो सकते हैं, इसमें भी चार केस हो सकते हैं। पहला क्या? एसेट परचेज, एसेट। दूसरा क्या? एसेट सोल्ड। तीसरा क्या? एसेट रिटर्न। चौथा क्या? एसेट रिटर्न। अभी ये दोनों का अलग मतलब बताएंगे कि क्यों दोनों का रिटर्न रिटर्न लिखे हुए हैं, ठीक है? देखते हैं, जब हम एसेट खरीद रहे हैं और जब हम गुड्स खरीद रहे, गुड्स खरीदे थे तो परचेज लिखे थे, बट एसेट खरीदेंगे तो परचेज ना लिख के एसेट का नाम लिखेंगे। अच्छा मान लो हम मशीन खरीदे, मशीन हमारी एसेट है, तो मशीन का नाम लिख देते, मशीन अकाउंट डेबिट टू। हो सकता हम कैश में खरीद रहे हो तो कैश, चेक से खरीद रहे हो तो बैंक, और हो सकता उधार खरीद रहे हो तो क्रेडिटर। अच्छा सर, सामान बेच रहे हो तो हो सकता है एसेट बेच रहे हो तो पैसा आ रहा हो तो कैश, बैंक से तो बैंक, और हो सकता है उधार बेच रहे हो तो डेटर, डेबिट टू। जब बेचे थे तो यहाँ सेल्स लिखे थे, पर यहाँ सेल्स ना लिख के उसी एसेट का नाम लिख दिया जाएगा। एसेट का नाम क्या है हमारा? मशीन अकाउंट। क्या नाम है? मशीन। नरेशन क्या बनेगा? बीइंग एसेट परचेज या बीइंग मशीन परचेज। नाम पता है आपको तो लिख देंगे बीइंग मशीन परचेज। यहाँ पे एसेट बेच रहे हैं, एसेट का नाम है मशीन, तो बीइंग मशीन सोल्ड, बीइंग मशीन सोल्ड। अच्छा एसेट रिटर्न, हमने कोई एसेट खरीदी थी तो वापस भी कर सकते हैं, एसेट रिटर्न आउटवर्ड। हम एसेट को वापस कर रहे हैं, एसेट को वापस कर रहे हैं, या इसका नाम एक और लिख सकते हैं रिटर्न टू सप्लायर, जिसने सप्लाई करी थी उसको हम वापस कर रहे हैं, रिटर्न टू सप्लायर। तब क्या होगा भैया? रिटर्न करेंगे सप्लायर को, हमने खरीदा था तो वो आदमी बना था क्रेडिटर, अब वो क्रेडिटर हो गया खत्म, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू। अच्छा परचेज जब वापस किए थे गुड्स तो परचेज रिटर्न लिखे थे, पर यहाँ एसेट वापस कर रहे हैं तो सिर्फ एसेट का नाम आएगा, सिर्फ एसेट का नाम आएगा,
जो कि क्या नाम था, मशीन। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू मशीन। अच्छा सर, हमने किसी को एसेट बेची थी, वो एसेट लाके वापस कर गया, अब बताइए एसेट फिर आ गई, एसेट बढ़ गई, एसेट बढ़ जाए तो डेबिट, एसेट मतलब मशीन बढ़ गई, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू। अच्छा जब बेचे थे तो डेटर बना था, अब डेटर हो गया खत्म, क्योंकि अब उसको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। कोई दिक्कत? अच्छा सर, ये तो हो गया, चाहे हम गुड्स खरीदे तो इस तरह एंट्री होगी, जब हम एसेट खरीदेंगे तो इस तरह एंट्री होगी। गुड्स में परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न आता है, पर एसेट के मामले में सिर्फ एसेट का नाम आता है, ना परचेज आता है, ना सेल आता है, ना परचेज रिटर्न आता है, ना ही सेल्स रिटर्न आता है, सीधा सीधा एसेट का नाम आता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी एंट्री। सॉरी, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब आते हैं तीसरी एंट्री पे। इसको बोलते हैं गुड्स यूज्ड अदरवाइज। अगर हम गुड्स को कहीं और यूज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राइंग, जब एक बिजनेस का मालिक बिजनेस में से कोई सामान निकाल लेता है अपने इस्तेमाल के लिए, चाहे पैसा निकाल ले, चाहे गुड्स निकाल ले, चाहे कोई एसेट, कुछ भी निकाल सकता है, अगर निकाल रहा है अपने इस्तेमाल के लिए, बिजनेस के इस्तेमाल के लिए नहीं, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। अच्छा, डोनेट कर सकता है बिजनेस से निकाल के, तो डोनेशन, और चैरिटी कर सकता है तो चैरिटी, ड्रॉइंग, डोनेशन या चैरिटी। तब क्या एंट्री होगी सर, अगर गुड्स यूज हो गया ड्रॉइंग करने में, मालिक सामान निकाल लिया बिजनेस से, या मालिक सामान निकाल के डोनेट कर दिया, तब क्या होगा? मालिक सामान निकाल के चैरिटी कर दिया, तब क्या होगा? मालिक ने सामान निकाल के ऐसे सैंपल बांट दिया फ्री में, फ्री सैंपल। गुड्स यूज अदरवाइज मतलब गुड्स यूज एज ड्रॉइंग, या गुड्स यूज एज डोनेशन, गुड्स यूज एज चैरिटी, गुड्स यूज एज फ्री सैंपल, तब क्या एंट्री होगी सर? तो एंट्री देख लीजिए बेटा, एंट्री होगी अगर वो ड्रॉइंग पर्सनल यूज में ले रहा है तो ड्रॉइंग लिख देंगे, अगर वो डोनेशन कर रहा है तो डोनेशन लिख देंगे, अगर वो चैरिटी कर रहा है तो चैरिटी लिख देंगे, अगर वो फ्री सैंपल बांट रहा है तो एडवर्टीजमेंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? एडवर्टाइजमेंट। अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, या डोनेशन अकाउंट डेबिट, या चैरिटी अकाउंट डेबिट, या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, चारों ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता। अच्छा, वो कौन कौन सा सामान निकाल सकता है बेटा? हो सकता है कैश से पैसा निकाल ले, हो सकता है वो बैंक से पैसा निकाल ले, हो सकता है कि वो गुड्स लेके चला जाए, गुड्स की जगह पे क्या आ जाएगा? और हो सकता है वो कोई एसेट लेके चला जाए, मान लो मशीन आई थी, मशीन वो निकाल ले गया अपने घर के यूज के लिए, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मशीन, ड्राइंग मशीन उठा के किसी को दान कर दिया तो डोनेशन या चैरिटी अकाउंट डेबिट टू मशीन। अच्छा, वो कैश निकाल लेता तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, चैरिटी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू। ये हो गई गुड्स, और कहां कहां इस्तेमाल हो सकते हैं? ड्रॉइंग में हो सकता है, डोनेशन में हो सकता है, चैरिटी में हो सकता है, और एडवर्टीजमेंट में हो सकता है। अच्छा सर, गुड्स की और एक और जर्नल एंट्री आप सीख लीजिए, गुड्स और कहां कहां आ सकता है, जर्नल एंट्री नंबर 4। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस।
एबनॉर्मल लॉस में तीन बातें आ सकती हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट और लॉस इन ट्रांजिट। या तो माल जल गया, या माल चोरी हो गया, या माल रास्ते में आ रहा था और टूट फूट गया, माल टूट फूट गया। अच्छा सर, माल अगर टूट फूट जाए तो बोलते हैं लॉस। अगर कोई भी लॉस हो, देखिए अपने फॉर्मूले में आ जाइए, कोई भी लॉस हो, बढ़ता है तो डेबिट, बढ़ता है तो डेबिट। अच्छा, लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट, ट्रांजिट हो, थेफ्ट हो या फायर हो, ये तीनों कुछ भी हो सकता है, अकाउंट डेबिट कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। और टू टू क्या कर दीजिए, क्या कर दीजिए भैया, हम जो माल खरीदे थे वो माल अब नहीं रहा। देखिए एक्सपेंस, जब हम माल खरीदे परचेज एक्सपेंस था, बढ़ गया था डेबिट, लेकिन माल जल गया, चोरी हो गया, माल वही माल कम हो गया, तो एक्सपेंस हमारा अब कम हो गया, कम हो गया तो क्या बन गया, क्रेडिट, क्या बन गया, क्रेडिट। और लॉस वही नुकसान बन गया हमारा, लॉस बढ़ गया तो डेबिट। बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय, अब तीनों में से कुछ भी, अगर फायर है तो लिख देंगे फायर, चोरी हुआ तो लिख देंगे थेफ्ट, जैसे नुकसान हुआ है वैसे उसका नाम लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो ये थी हमारी लगभग गुड्स और एसेट्स से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, जो कि हमने आज पहले लेक्चर में पढ़ी हैं। किस चीज के पहले लेक्चर, जर्नल एंट्री का। वैसे तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, 11th के लिए, 11th के लिए लेक्चर 4 है। अच्छा, ये अगर चाहें तो क्लास 9th वाले भी आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्लास 9th वालों में भी यही चीज है, ठीक है। जर्नल एंट्री तो सबके लिए सेम है, चाहे ग्रेजुएशन लेवल पे हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9th, 11th और 10th, 12th जो भी पढ़ना चाहे इसको आराम से पढ़ सकता है। इतना सीख लीजिए इससे कि आपको जर्नल एंट्री में कहीं दिक्कत ना आए, क्लियर। तो याद रखिएगा, बस आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए कि सर हमको जर्नल एंट्री आनी चाहिए, क्लास कौन सा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए, गुड लक, मिलेंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बाकी की जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे। अभी तक हमने कौन कौन सी पढ़ी, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और फिर चौथा ये, अभी हमने सिर्फ 4 पढ़ी हैं। कम से कम अभी 17 जर्नल एंट्रीज और पढ़नी है। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो भी आपकी तरह पढ़ाई कर सके। गुड लक।